गुड मॉर्निंग बेटा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल है एजुकेशन में और बेटा आज हम पढ़ रहे हैं हमारी पांचवी क्लास की प्रवेश अध्ययन जिसका छठा लेसन हम करेंगे और उसका नाम है आप बीती तो बेटा यहाँ पे एक देखो चिट्ठी लिख रखी है तो पढ़ते है इस चिट्ठी में इस पत्र में क्या कुछ लिखा हुआ है रामहेर की पाती रामहेर ने लिखा है पाती मीन्स पत्र चिट्ठी आदरणीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री के नाम कुछ पत्र लिखा है उसने सादर प्रणाम ऐसे ही पत्र लिखा जाता है मेरा नाम राम हेर है मैं एक किसान हूँ दुनिया हमें सम्मान से भोजन उत्पादक कहती है तो भोजन उत्पादक कौन होता है बेटा किसान किसान ही तो फसल पैदा करता है तभी तो हम खाते हैं हमारा जीवन कितनी कठिनाइयों से भरा होता है यह केवल हम किसान ही समझ सकते हैं मेरे पास केवल दो एकड़ जमीन है और मैं अपने परिवार का गुजारा इसी से चलाता हूँ वो अपने बारे में बता रहा है यहाँ पे आप तो जानते ही हैं कि कई जमींदारों के पास बहुत जमीन है ये जमीन को या तो ठेके पर देते हैं या बटाई पर कुछ जमींदार खेतों का सारा काम मजदूरों से करवाते हैं। जिनके पास बहुत सारी जमीन है तो उनकी पैदा भी अच्छी होती है और वो उनको मजदूरों से काम करवाते हैं कुछ किसानों के पास अपनी जमीन नहीं है और दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं ये बता रहा है यहाँ पे हमारे गांव में कुछ किसान अनाज उगाते हैं कुछ दालें और कुछ सब्जियां तो उसके गांव में क्या क्या उगाते हैं कुछ अनाज उगाते हैं कुछ दालें उगाते हैं और कुछ सब्जियां उगाते हैं कई किसानों के फलों के बाग भी हैं और पे फलों के बाग भी हैं बेटा कुछ साल पहले तक तो जमीन की उपज से परिवार का गुजारा हो जाता था लेकिन अब एक समान और नियमित वर्षा न होने के कारण गुजारा करना मुश्किल हो रहा है बारिश नहीं हो रही है इसलिए गुजारा कठिन हो रहा है फसल पैदा नहीं होती तो क्या खाएं? लगभग दो साल पहले हमारे गांव के गांव में एक कृषि वैज्ञानिक आए थे एक खेती बाड़ी के बारे में जो जानकारी रखते हैं किस फसल किस जमीन में कौन सी फसल बोए तो उससे ज्यादा फायदा होगा वो होता है कृषि वैज्ञानिक आए थे उन्होंने बताया था कि ज्यादा उपज के लिए खाद के साथ साथ सही मात्रा में उर्वरकों और अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करना चाहिए कि खाद अच्छे डालने चाहिए और अच्छी किस्म के बीज सही मात्रा में उर्वरक तो अच्छी फसल के लिए क्या दो कौन कौन सी दो चीजें चाहिए हमें अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग और सही मात्रा में उर्वरक डालना चाहिए सही समय पर फसलों की सिंचाई और कीड़ों से बचाव का प्रबंध भी जरूरी है अब हमने उर्वरक भी डाल दिए खाद भी डाल दिए और अच्छी किस्म के बीज भी बो दिए लेकिन बेटा समय पर फसल की सिंचाई नहीं हुई या उसको कीड़े खा गए तो फिर क्या फायदा तो हमें ये भी उपाय रखने हैं कि फसल की सिंचाई भी हो जाए और कीड़ों से उसका बचाव भी हो जाए खेत में बार बार एक ही तरह की फसल बोने से मिट्टी में कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है बेटा फसल को भी पोषक तत्व चाहिए तभी वो अच्छी पैदावार होती है जैसे कि तुम लोग एक ही एक ही तरह का खाना देते रहे की ना हो तो तुम क्या बड़े हो सकते हो पनप सकते हो कुछ ना कुछ बीमारी लग जाएगी है ना इसी तरह से फसलों को भी पोषक तत्व चाहिए इसलिए फसलों को अदल बदल कर बोना चाहिए अब जैसे ये प्रश्न बन गया कि फसलों को अदल बदल कर क्यों बोना चाहिए क्योंकि खेत में बार बार एक ही फसल बोने से मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है मैंने कृषि वैज्ञानिक की बातों का ध्यान रखने का फैसला किया ताकि अच्छी फसल हो ये सब चीजें ऊपर जो बता रहा है ये उसने कृषि वैज्ञानिक ने बताई थी और अब ये कह रहा है कि मैंने उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया कि भाई फसल अच्छी हो पिछले वर्ष मैंने धान बोया धान बो दिया वर्ष धान धान क्या होता है किसको कहते हैं चावल चावल को चावल की जो खेती होती है उसको कहते हैं धान की खेती वर्षा न होने के कारण पड़ोसी किसान के ट्यूबवेल से अपने खेत की सिंचाई की बारिश नहीं हुई लेकिन फसल को तो पानी चाहिए इसलिए पड़ोसी किसान के कुएं से उसने सिंचाई की अपने खेत में उर्वरक और कीटनाशक खरीदने के लिए मुझे कर्ज लेना पड़ा क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे इसलिए मुझे कर्ज लेके और वो चीजें खरीदनी पड़ी परन्तु वर्षा की कमी से फसल सूख गई बारिश नहीं हो पाई आखिर सिंचाई के लिए बार बार पानी कौन देता कुछ साल पहले ही ऐसे ही स्थिति में अकाल पड़ा था और भूखमरी की नौबत आ गई थी ऐसे ही पहले भी कह रहा है कई साल पहले भी हुआ था और भूखमरी हो गई भूखमरी क्या होती है जब खाना ही पर्याप्त ना हो लोग भूखे मरे उसको बोलते हैं भूखमरी नवंबर मास में मैंने गेहूं बोया था गेहूं की लहलाती फसल को देखकर मैं फूला नहीं समा रहा था कपास तो नहीं हुई लेकिन गेहूं बोया और गेहूं की फसल बहुत अच्छी थी मैं सोच रहा था कि इस बार फसल अच्छी होगी कर्ज भी चुका दूंगा और खेत में ट्यूबवेल भी लगवा लूंगा फसल अच्छी होगी तो पैसे आ जाएंगे और पैसे आ जाएंगे तो जिससे कर्ज लिया था कीटनाशक खरीदने के लिए और खाद वगैरह खरीदने के लिए उनके वापिस कर दूंगा लेकिन क्या हुआ लेकिन आखिर सिंचाई के बाद फसल पकने का ही इंतजार था फसल पकने वाली थी कुछ दिनों में कटाई की जानी थी लेकिन तेज हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश और ओलों ने सारी फसल खराब कर दी कटाई नहीं हुई पकी पकाई फसल के ऊपर ओले गिर गए बारिश हो गई इसलिए फसल नष्ट हो गई हो जाता है ना बेटा तो बहुत बार ऐसा हाँ सोने सी चमचमाती फसल कुछ ही दिनों में काली पड़ गई कभी सूखा और कभी जल ही जल फिर कैसे हो ठीक फसल ठीक फसल तो तभी होगी जब सामान्य बारिश हो जितनी जरूरत हो तो उतनी हो लेकिन कभी तो बिल्कुल ही नहीं होती कभी बहुत ज्यादा हो जाती इसलिए फसल नहीं हो पाती जैसे तैसे मैंने फसल काटी उसमें से अपनी आवश्यकता अनुसार गेहूं को मैंने अनाज की टंकी में डालकर रख दिया जितना मुझे चाहिए था उतना रख लिया उसने उसमें नीम की सूखी पत्तियां भी डाले क्यों डाली नीम की सूखी पत्तियां जिससे कि अनाज नमी कीड़े चूहे आदि से सुरक्षित रह सके नीम की पत्तियों से अनाज खराब नहीं होता बेटा नीम की पत्ती डाल दें उसमें तो बचे हुए गेहूं को बेचने के लिए अनाज मंडी में आरती के पास ले गया गेहूं देखते ही आरती ने कहा भाई इस गेहूं को कौन खरीदेगा क्योंकि वो तो नीचे गिर गई थी ना जमीन में फसल और वो पड़ी पड़ी काली हो गई थी एक तो पतला दाना ऊपर से काला उसे बेचकर मुझे इतने ही पैसे मिले कि ट्यूब लगवाना तो दूर की बात मैं कर्ज भी नहीं चुका पाया थोड़े पैसे मिले उसकी अगर अच्छी फसल होती तो मैंने भाव में जाती तो उसके पास थोड़े पैसे आए और वो कर्जा भी नहीं चुका पाया अनाज मंडी में मैंने देखा कि किसानों द्वारा बेचने के लिए लाया गया गेहूं खुले में पड़ा था भंडारण के लिए रखी गई अनाज की बहुत सी बोरियां बारिश के कारण खराब हो गई थी भंडारण एक ही भंडारण शब्द आया बेटा भंडारण क्या होता है जहां पे बहुत सारे अनाज को इकट्ठा करते हैं उस जगह को भंडारण कहते हैं भंडारण स्थल, तो बहुत सारी चीज एक साथ इकट्ठा करें उसको भंडारण बोलते हैं कुछ बोरियां फटी हुई भी थी इस प्रकार बड़े पैमाने पर अनाज खराब होने के कारण लोगों को अनाज के अभाव का सामना करना पड़ता है अगर भंडारण की सही सुविधा नहीं है तो वहाँ पड़ा पड़ा अच्छा अनाज भी खराब हो जाता है और लोगों तक नहीं पहुँच पाता मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार द्वारा किसानों के हित में उचित योजनाएं बनवाने का कष्ट करें। तो सरकार से क्या चाहता है वो कि भाई सरकार किसानों के फायदे के लिए उचित योजना बनवाए तथा किसानों की खून पसीने की मेहनत से उगाए गए अनाज के उचित भंडारण की व्यवस्था करवाए तो किसानों ने बड़ी मेहनत से जो अनाज पैदा किया है उस अनाज को इकट्ठा रखने के लिए उचित व्यवस्था की जाए और नीचे लिख दिया इसने धन्यवाद रामेहर तो ये रामेहर ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को इसमें किस किस का जिक्र किया है बेटा इस पत्र में उसने बताया कि भाई फसल फेर बदल करके बोनी चाहिए एक तो बारिश सामान्य होनी चाहिए ना बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना अधिक कम होनी चाहिए दूसरा अगर फसल पक जाती है मंडियों में चली जाती है उसके बाद उसको सुरक्षित जगह पर उसका भंडारण करना चाहिए उसको इकट्ठा रखना चाहिए ताकि वो बारिश से या वैसे चूहों के द्वारा खराब ना की जाए है बेटा अब बेटा यहाँ पे आगे हैं हमारे पास क्वेश्चन आंसर इनमें से जो छोटे उसका मैंने लिख दिया बाकी मैं फिर बाद में लिख के ना आपको बताऊंगी और उनको अपने नोटबुक में लिख लेना बुक में जगह कम है रामहेर के खेतों में धान की फसल क्यों सूख गई थी तो तुम्हें भी पता है क्यों सूखी थी कपास बोई थी तब उसने धान बोई थी तब क्या हुआ था वर्षा न होने के कारण फसल सूख गई थी अब कह रहा है कि आगे की ये जितने भी ये क्वेश्चन आंसर है ये मैं तुमसे लिखवा के करवा दूंगी हाँ बागी चलते क्या तुम किसी किसान के परिवार को जानते हो भाई तुम जानते ही होगे किसान कौन होता है जो खेती करता है और खेती करने वाले हमारे आसपास सारे ही हैं तो मैं किसान को जानता हूँ इसलिए हाँ कर दिया है उसके पास कितनी जमीन है ये तुम्हें जमीन का उससे पूछ के बताना पड़ेगा कि भाई कितनी जमीन है कितनी सी मैंने लिख दिया है तीन एकड़ जमीन है थोड़ी जमीन है उसके पास क्या उस जमीन से उसके परिवार का गुजारा हो जाता है आजकल गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है क्योंकि महंगाई हो गई है और बारिश भी बहुत अच्छे से नहीं हो रही इसलिए बड़ी कठिनाई से गुजारा होता है ये देखो नीचे किसान फसल काट रहा है दिख रहा है तुम्हें और ये ट्रैक्टर चला रहा है हल रहा है ना अब आगे है पता करो और लिखो तुम्हारे गांव में सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है और कितनी है ये अपने घर जाके अपने मम्मी पापा से या दादा दादी से किसी से पूछना और फिर लिखना कि भाई उसके पास इतनी ज्यादा कितनी जमीन है और किसके पास है ठीक है वह अपने खेतों में खुद काम करता है या किसी और से करवा जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है अब बहुत ज्यादा जमीन है तो अकेला तो क्या कर पाएगा वो काम इसलिए वो अपने खेतों में खेती मजदूरों से करवाता है तुम्हारे गांव में कितनी तरह के किसान हैं और कौन कौन से बेटा किसान तो तीन तरह के ही होते हैं तीन तरह के किसान हैं एक तो बड़े किसान जो दूसरे लोगों से खेती करवाते मजदूरों से दूसरे मझोले किसान जिनके पास थोड़ी सी जमीन होती है अपना घर का गुजारा उनका चल जाता है तीसरे छोटे किसान जिनके पास बहुत कम जमीन होती है तो वो दूसरों की जमीन जैसे बटाई वगैरह में लेकर तब करते हैं तुम्हारे क्षेत्र में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है बेटा हाल अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती है ना तो हमारे क्षेत्र में कौन सी उगाई जाती है गेहूं चावल बाजरा कपास आलू प्याज टमाटर इस तरह की सब्जियां और अनाज हमारे आसपास पास उगायी जाती है सरसों की फसल भी होती है बेटा हमारे यहाँ पे आदि का मतलब यही आता है कि इसी तरह की कुछ और भी हैं सिर्फ यही नहीं है तो बेटा इसकी यहाँ तक का लेसन हमने ये पढ़ लिया है और बाकी का लेसन हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में ठीक है थैंक यू